आज मैंने खाना बनाया, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। सुबह सुबह मैं ये रेत के पहाड़ पे चढ़ने लगा और मैं गिरा भी, मुझे चोट भी लगी, लेकिन मैंने हार नहीं माना। जब मैं ऊपर पहुंचा तब हवा बहुत तेज थी। जैसे तैसे मैंने अपना कैंप लगाया और फिर मुझे बहुत तेज भूख लग गई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, पास के गाँव से मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। पेड़ का छांव दिखा तो मैंने लकड़ियों को वहाँ पे जमा कर दिया। फिर मैंने रोटी के लिए आटे का लड्डू बनाया। बाहर जाकर रोटी को पकाने के लिए मैंने ईंट का चूल्हा भी बनाया। फिर चूल्हे में लकड़ी डालकर हम उसमें आग लगाने लगे। फाइनली आग लग गई और हमने तवा बैठाकर उस पे रोटी सेका और रोटी भी बनाया। फिर हम सारे दोस्त एक साथ चाव से खाने लगे और खाना बहुत टेस्टी बना था। खाने के बाद रेगिस्तान में मैंने इस बोतल से पानी पिया और बाद में गाँव के बच्चों के साथ मस्ती करके मैं नहाने चला गया और सारी गंदगी साफ कर ली और फिर गीले कपड़ों को रेत में ही सुखा दिया। बाद में इस गांव को टाटा बोलकर मैंने इसे अलविदा कहा।